जब जंगल में आदि मानव थे, जब वो लोग जंगल में रहते थे, जब उस समय कोई आगी चूल्हा माचिस की कोई काम नहीं, मतलब वो थे ही नहीं, उस जमाना के चलते आ रही है गोदने का काम। मैं तो बहुत बचपन से गोदता हूँ, कम से कम नहीं तो 14-15 साल के रहे हूँ तब के गोदता हूँ। काजल अपन हाथ के बना था ना, टेन काजल ला पानी में घोर था, पानी में घोर के जेखर जैसना डिजाइन पसंद आएगा तैसना बनाए इन गोड़ जाती इनके ला, और खूटी में लिख के तेखर बाद मसुई चला था। जनजाति का अलग गोदना होता है, नागा जनजाति का अलग होता है, तो ये जो मैंने जो जैसा पसंद करेगा वैसे मैंने उनके कहने के अनुसार फिर ये गोदते हैं। ये पैर से लेकर के सामने भाग मतलब पूरा सीना हाथ कपार गोदना इतना शरीर में उनकी होता है, आगे और पीछे दोनों पर गोदना होती है उनके शरीरों में सर, 90% गोदना होती है उनके महिला के, जो ये गोदना रहती थी ये वाला, तो इसी की वजह से वो 7 साल की उम्र में, उससे भी पहले 6-7 की उम्र में कराई देते हैं, और कहते हैं जो महिनवारी डेट होती है लड़कियों का, वो अगर आ गए और ये नहीं गोद पाए तो उन लोगों में रोटी भाजी लगती थी, जैसे जात से अलग कर देते थे, उन्हीं के जाति में होती है गोदना। लेकिन उन लोगों बैगा जनजाति के जो मस्तक पे है वही है उनका पहचान। ये बैगा जनजाति का जो है ना ये वाला अपने बॉडी में पूरा बनवा के रखा है, नीचे का जो बैल आंख है वो वाले भी बनवा के रखा है, पैर में भी पूरा ऐसे जैसे पैर में है ना वैसे, यही जात का गुदना वो गुदवाया, बैगा जनजातियों को गुदना गुदवाया है। बैगा जनजातियों का महिला सिंगार बनाती थी उनके, ऐसे अंबर चिन्ह दो, वो बैगा जनजाति की महिला बोलती है ऐसे अंबर चिन्ह दो मेरे को कि कभी ना निकले, जब मैं मरूं तभी निकले ऐसे। तो आजकल गहना जेवर पहनेंगे लेकिन मरने के बाद उसको निकाल लेते हैं, धागा एक रेशम नहीं जाती है मरने के बाद बोलते हैं, तो ये है ना मिट्टी के साथ ही जाती है, इसीलिए इसका अहम जो लोग समझते हैं उनके लिए ज्यादा है।